तो हेलो पाल्स, दिस इज मैनीपाल एंड आई एम हियर टू मेक योर डे। मैंने जब से बोला है कि अगर मेरा कंटेंट तुम लोग को अच्छा लगता है तो तुम लोग मेरे को सुपर टैंक्स या फिर जीपे कर सकते हो टू सपोर्ट दिस चैनल। एंड मेरे लास्ट वीडियो में भी कुछ मेरे कट्टर पाल्स ने मेरे को सुपर टैंक्स एंड जीपे किया। बट एक जन ने तो कितने बजे आना है मैम काम पे, मैं बर्तन भी कर लूंगा। बट थैंक यू सो मच यार इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड हाँ, अगर आप खुद कमा रहे हो तो ही बेचना, चोरी छुपे माँ बाप के पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट किए एंड तंबाकू भी। ये है समी स्टाइलो जिसमें खुद में जान नहीं है। दानिश जैन को देख के लोगों ने बाल बनाना सीखे। क्या सीखा है रे, ऐसा लग रहा हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहा है अभी। ये हमारी YouTube का समी स्टाइल। बंदा बोले तो मत, आज भी के नहीं रहने, उनके नहीं रहने के बाद भी वजन बंदे का क्या है। क्या है वजन की बात तू तो करी मत, जिसका खुद का वजन इसके जितना है। ओ सॉरी, हाँ अभी बराबर है। अच्छा आज अगर उस दानिश जैन जिंदा होते तो तेरे को कुत्तों के बेल्टों से मारते, कयामत आ जाती थी। कयामत में बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। केला पाव खाएगा। नाम की बात तो तू तो करी मत, खुद के नाम में गलत स्पेलिंग एंड सलून का नाम डाल के रखा है। ये ले भाई न्यू हेयर स्टाइल। वो अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया। इन्फ्लुएंसरिंग ओए मैस्टरबेटिंग, तेरी इंग्लिश तेरी हेयरलाइन की तरह ही है, एकदम खराब। एंड ये क्या है रे, किसी का साइकिल का चेन चोरी किया क्या? मेरी तरफ मत देख, मेरे पास स्कूटी है। हम लोगों ने उनको देख के कॉपी की, उसके जैसा बाइक लिया भाई मैं। पुष्प गुच्छक के साथ भारत रत्न दू बैग लिया, ऐसा घमंड में बोल रहा जैसे गाड़ी ली है। मैं बोल दो ये झूठ है, वरना मेरे इतने सालों के मेहनत के बाद तो मेरे को सदमा ही लग जाएगा। कोई ग्लूकोज चढ़ाओ, मैं प्यार बनाया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे को आज भी, मेरे को अभी भी याद है, मैं सिद्धू भाई का 295 का गाना चल रहा था मेरी गाड़ी में। अबे तो बीएचडी के ऐसा ऐसा क्या खुशखबरी सुना रहा है क्या? वैसे तेरा एक्सीडेंट खुशखबरी है। और आज मैं आपको मुलाकात करा रहा हूँ भारत ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी जाने जाने वाला वो चेहरा। हाँ, ऐसा चेहरा जिसके एक्सीडेंट के बाद लोग उसको उठाने का छोड़ के इसके गाड़ी से सामान चोरी करके जा रहे हैं। इनका फोन गायब हो गया, मेरे गाड़ी में कैश 1,00,000 रुपए के थे, पैसे लेके भाग गए, बच्चे चॉकलेट लेके भाग गए, अबे हमको लेके भागो। शी यार ये क्या फालतूगिरी है, इसका घड़ी कौन चोरी करे? डॉक्टर ने बोला कि कौन है ये कड़वा। ये ले भाई, ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया तो ये भी है। यस वेयर इज द पेशेंट सर? ये रहा, अपने को सब बुलर देख रहे हैं। और मेरा लंच टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। अरे सर उसका एक्सीडेंट हुआ है, मर जाएगा वो। हाश सर, मतलब हॉस्पिटल में जितनी भी दवाई है सब एक एक चम्मच पिला दे, ठीक हो जाएगा। हाँ अरे एक मिनट अभी ठीक करता हूँ। आवेरी जान बोले ये कुत्ते बिल्ली की मौत मरते बोले। हाँ वो तो तेरी शक्ल देख के बोला होगा। ऐसी जाते बोले ये स्टार लोग, ऐसी स्टार लोग। स्टार? हाँ वैसे भाई बिग स्टार तो है ये अंडरवेयर जैसा। क्या तो मैं क्या बोलना चाहता था ना, मैं कुत्ता बिल्ली की मौत मरूंगा। हाँ वो तो तेरे साइज के हिसाब से पता चलता, तू इसकी मौत गांडुल। मैं मरने वाला हूँ नहीं। शिट। और तुमने क्या बोले, मतलब दानिश और सिद्धू भाई समझ लिए क्या? कोई नहीं समझ रहा तेरे को, दानिश और सिद्धू भाई जैसा जिसके चौड़ में करियर बनाया है उसको ही बोल रहा है कि दानिश समझ लिए क्या? नहीं चू। दानिश जैन को देखकर हम लोगों ने ड्रेसिंग सेंस सीखे। अरे नहीं सीखा है, तेरे को अगर बटाटे की गोनी भी दे देंगे ना तो बोलेगा ये देख भाई मेरा नया जैकेट लिया है। अरे नहीं उर्फी मजाक कर रहा हूँ, गोनी नहीं है इधर। तो जब इंटरव्यूअर जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था, एक बार इसकी हरकतें देखो। इंटरव्यू चालू होने के पहले ही एक्सप्रेशन देके बैठा है। आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज चैनल। भाई क्या हो रहा है तेरे को? मैं हूँ रियाज शेख, जैसा कि ओम। अरे भाई रे उसने रियाज शेख बोला, ऐसा क्या कर रहा है? लगता है तंबाकू मुंह के जगह कान में डाला। कान कान क क शांति से इसको बैठने होता ही नहीं है, जब से फालतू का रील बनाने लगा है किधर भी कैमरा देख के एक्सप्रेशन देना चालू करता है। अपने शायरी का दीवाना एंड नीचे खुजाना अपने फितरत में। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जिंदगी जीने का सही तरीका सीखना है। इसके आईडी को ब्लॉक करो। तो एक ताले और चाबी से सीखो मेरा भाई। इनको क्या अभी पिछवाड़े में डालू? ताला भले ही टूट जाएगा मगर कभी चाबी नहीं बदलेगा। ताला अगर टूट गया तो चाबी का तेरे गा। तो ये दोनों ऐसे सितारे हैं जो भारत पे राज कर रहे हैं। अंकल जी इसी फालतूगिरी की वजह से आपके बाल जा रहे हैं। इतना झूठ अगर बोलोगे तो टेंशन तो होगा ना कि कोई भी बीच रस्ते में देख के टमाटर ना फेंके। तो दानिश जहन ऊपर जाने के बाद भी रेशन पीस नहीं कर पा रहा, उसकी और एक वजह मैंने देख ली। एंड वो देखने के बाद अभी दो बॉटल ग्लूकोज चढ़ाओ। इट्स योर बॉय दानिश जहन बैक एट इट अगेन। ऑलराइट हे गाइस व्हाट्स एवरीबॉडी
थूकता है मानत। ऊपर वाला सबको अच्छी जिंदगी दे पर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जो किसी का फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, एथ नहीं, ये कॉपी ही नहीं है, क्योंकि ये उबला हुआ दानिश ज़ेहन कॉपी ही नहीं कर पा रहा। Everybody, it's your boy Danish Zehn back at it again with a new video. Hey, what's up, Mishra ji? All right, hey guys, what up, everybody? It's your boy Little Danish back at it again with a new video. Hey, what's up, Sharma ji? Sahe diva. क्या छुपा रहा है, किसी को नहीं दिखना तेरे गुब्बारे। ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े सब आसान चीजें इसने दानिश से कॉपी कर ली, बट जो डिफिकल्ट पार्ट है बॉडी एंड कम्युनिकेशन उसमें वो खाया इसने गू। अभी भाई अपना लियोनार्डो डी छपरियों का एक्टिंग करके बताएगा, भाई रोके बताएगा। लगता है कोई इसके गुब्बारों को ऐसे ऐसे करके। अरे क्या हो गया, गर्लफ्रेंड ने सच्ची लिटिल दानिश बुलाया क्या? तब मुझे तकलीफ होती है उसके लिए, क्या लोग उसकी कब्र पे जाऊं, उसकी कब्र पे जाके वीडियोस बनाते हो, वादे तड़पता है कि मत बनाओ वीडियोस, मत बनाओ। तेरा यूट्यूब चैनल, उसने भी वही बोला ताकि मत बनाओ वीडियोस, मत बनाओ। कोई सुनता नहीं क्यों, हमें तो लाइक्स चाहिए। अरे लाइक्स की भिखारी, उसका ही नाम लेके तू लाइक्स लेने आया था एंड उसको कॉपी करके बॉडी लैंग्वेज, खाली लैंग्वेज नहीं, दोनों भी कॉपी नहीं कर पाया। एंड तो भाई तूने भी उसकी इक्वली ब्रांड इमेज खराब की है। ये ले भाई, नहीं नया हेयर स्टाइल के लिए नहीं, डाल अपने गा। एंड फिर सालों साल इसने दानिश का इंट्रो बोला, वो भी ढंग से ये रट नहीं पाया। अरे बैक इट अगेन नहीं है वो, बैक एट इट अगेन है, गिड़गिड़ के बाल। आजा तुझे न्यू हेयर कलर देता हूँ। अरे ऐसा कलर का मतलब वाटर कलर है। वैसे तूने जो बोला बैक इट अगेन वो भी राइट है, देखो बनाने वाले स्पर्म यही बोलते हैं। ओले ले 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 ले, क्या हुआ है लिटिल डैनिश? चलो भाई बहुत काम है, चलो तो हम जाएंगे और लोगों को खाना खिलाएंगे, तो भाई चलो देखते। इसको इसके घर वाले मारते नहीं है क्योंकि वो खुद को मारते है कि किसको पैदा। अरे सुनते हो, लिटिल दानिश ने नया व्लॉग डाला है। क्यों पैदा किया मैंने? तो गाइस मुझे यहाँ पर माइंड में एक होटल मिला है, हम भाई जितने भी उससे गरीब बैठे। भाई क्या कर रहा है, सबके सामने खड़े रह के उनको गरीब बोल रहा है, ऊपर वाले के नाम पे दे दे। हाँ तो देख सकते हैं, एक भिखारी मेरे से भीख मांग रहा है। ए भिखारी भीख मांगे भिखार भाई। अरे मैं आपको अभी भी बता दूं कि मैं ये फेमस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे भाई के लिए कर रहा हूँ। नहीं जरा भी फेमस के लिए नहीं कर रहा है, तू कौन बोला? दानिश का नाम खुद के नाम में है, दानिश के लिए दुआ मांगो पूरी वीडियो में है, फिर लास्ट में सब्सक्राइब भी करो। अगर देखो सच में फेम के लिए नहीं करना होता, दानिश ज़ेहन के लिए करना होता ना, तो ये सब का व्लॉग नहीं बनाता, चुपचाप जाके गरीबों को खाना दे के आता एंड दुआ पढ़ता, यहाँ पे आके आरआर नहीं करता व्यूज के लिए। एंड फिर ये टट्टू को लगा कि ये दानिश का नाम लेके दानिश के फैंस इसको सपोर्ट करेंगे, फिर कुछ नहीं, दानिश के फैंस ने इसको लात मार के भगाया। फिर अभी रिसेंट के कुछ व्लॉग्स में मैंने देखा कि दानिश वाला जो इंट्रोडक्शन था वो बंद हो गया, बट ये और मंद हो गया। गाइस बहुत लेट हो चुका है। हाँ वो तेरी परवरिश के लिए ना, पता है। एंड इसने क्या मालूम कौन से आठे में अपना मुंह दिया है, दानिश बनने के चक्कर में राखी सावंत बन के घूम रहा है। इतना बड़ा तो लोगों का दिल भी नहीं है जितना बड़ा मुंबई का एयरपोर्ट है गाइस। एंड जितना बड़ा मुंबई का एयरपोर्ट है उससे भी बड़ा तू चू। Just kidding and don't take it serious. No taking serious. But हाँ लोग तेरे को genuinely serious मानना चाहते हैं जब तू मार खाने के बाद हॉस्पिटल में। कोई बंदा दिख रहा नहीं है यहाँ पर जो सोशल मीडिया यूज करता हो। तेरे को देख के भाग गए सब। तुम्हारे भाई की फैन फॉलोइंग तो। केला पाव खाएगा? कुछ नहीं, वापस से मेरे कैमरा का मेमोरी कार्ड फुल हो गया, नया खरीदना पड़ेगा। जीपे फैन फॉलोइंग तो। फैन फॉलोइंग बोल रहे, खुद के चैनल पर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, शर्म आता है तुम लोग का शर्म। एंड उनमें से खाली 5000 लोग इसका व्लॉग देखते हैं, क्यों देखते हैं पता नहीं। मोदी जी बेरोजगार योजना, मैं बता दूं मैं किसके पास जा रहा हूं शूट करने के लिए। अरे आन भात को कोई बताओ कि ये व्लॉग कर रहा है, लाइव नहीं चल रहा है, जो 100 बार पूछ रहा है कि बता तू ये कौन से टट्टे को मिलने वाला है। हम दो जने। हाँ टट्टे दो ही रहते हैं, आगे बोल। इसमें मिलाता हूँ किसी आपको। हाँ मेरी जान नहीं गा भाई, पतले भी लग रहे भाई। पहले सर क्या जॉन अब्राहम थे? नहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। भाई तूने ऐसा क्या पाप किया है जिंदगी में? मैं भी उनमें से एक हूँ, इनको देख के सीधा एक्शन। तो भाई नो हेट इन लोगों के लिए, सीधा मारो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एम करते 400 लाइक्स के लिए एंड मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स है, बहुत नजदीक हूँ मैं, तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड ये जो स्क्रीन पे आ रही है मेरे पुराने रोस्ट वीडियो से आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रोस्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो।